देखो यहाँ से गाड़ी आ जाएगी, अब देना स्कोर। तेरे को छोड़ के तो आए थे हम लोग, दोनों साइड पेड़ और पीछे रोड कितना सही लग रहा है, देख रहे हो? अब देना स्कोर भी आती है, कितनी प्यारी लग रही है आगे। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिलहाल सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं निकला भी मामा की कार को वॉश करवाने। चलते हैं वॉश कराने और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो गाइस ये देख रहे हो, कल बुलेट लेके मैं यहीं से आया था, पूरा सिंगल रोड है। देख रहे हैं अभी कितना टाइट रोड है, अभी मेन हाईवे थोड़ा दूर ही है। कल मैं यहाँ से आया था इस साइड से, अब इस साइड जाएंगे। सो यही आगे शिमला वाले साइड के लिए चले जाता है सीधा ना। तू कहाँ चला हुआ है? तो यहाँ पे होगी वॉश। तो वैसे हम पहुंच गए वॉशिंग करवाने, तो फिलहाल ना एक कार लगी है वॉशिंग में, तो उसके बाद आएगा अपनी गाड़ी का नंबर। और कल उन्होंने था वीडियो में, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बुलेट को स्नो पे लेके जाऊँ तो जल्दी 1K करवाओ चैनल पे, फिर चलेंगे स्नो पे। वॉश हो रही है, नॉन वही है, मलिक है। सो गाइस आ गए, एक्चुअली इसमें वैक्यूम मरवाया अंदर, इसकी सर्विस होनी थी। मामा को बोला कि काम कर गया है तो सर्विस भी करवा ले, तो पहले सर्विस करवाते हैं, उसके बाद वॉशिंग फिर अंदर ही हो जाएगी। सो गाइस हम पहुंच गए मारुति के शोरूम के सामने, तो मामा ने कॉल कर दिया, बंदा आ जाएगा अपने आप बाहर, कार उसको दे देंगे, फिर देखते हैं कितना टाइम होता है, तो हम निकल जाएंगे वापस घर, भैया को बुला लेंगे। सो गाइस कार छोड़ के मैं आ गया था मामा की। सो फिलहाल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो यहाँ पे ना एक तालाब सा है, तो वो दिखाता हूँ आप लोगों को ना। सो ये लेफ्ट साइड तालाब देखो, और ये मामा का लड़का भी ना साथ साथ आ गया, साथ में आ, ये देखो ये मेरे को छोड़ने ना बाइक पे साथ पे आ गया, गिरी मत आगे देख के चल। सो इसको भी थोड़ी देर मैंने अपना बुलेट चलाने को दिया था और ये अपने वाला बुलेट लेके आ गया। ये देखो यहाँ से दिखाता हूँ आपको तालाब, देख रहे हो इसमें मछलियाँ वगैरह तो दिख नहीं रही, शायद होंगी मछलियाँ वगैरह होती हैं। हाँ चल ठीक है, फिर तो निकल जा, ठीक है फिर निकल जा, बाय बाय, अगली बार आऊँगा तो चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं अंदर चले जाऊँगा और उस वाले रोड पे जाके घर वालों के साथ साथ चलूँगा। सो वो जा रही है अपनी स्कॉर्पियो, और मामा का लड़का जो सुबह ऑल्टो में देख रहा है मेरे छोटे वाला लड़का जो था, तो वो भी अपने साथ चला हुआ है, बहुत रो रहा था कि मैं भी जाऊँगा मैं भी जाऊँगा, फिर इसको लेके आ गया स्कॉर्पियो में बैठे हुए अंदर, अभी देखेगा पीछे। नहीं वाला रोड देखना, अब दोनों साइड घर है ना, और रोड देना बिल्कुल ना कंजेस्टेड है, और आगे से कोई गाड़ी वगैरह आ जाती है ना तो एक को तो भाई पीछे लेनी पड़ती है। ये देखना, ये देख रहे हो कितना टाइट है, अभी देखो यहाँ से गाड़ी आ जाएगी, अब देना स्कोर पे आ रही ना पीछे ऑल्टो आ गई, या तो ये पीछे लेगा या घर वालों को पीछे लेनी पड़ेगी। सुबह से आगे मेन रोड, तो सुबह मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड गया था आगे कार वॉश कराने, अब जाएंगे यहीं से वापस हमीरपुर होते हुए वापस घर। आज देख रहे हो भाई मौसम बिल्कुल क्लियर है, इतने दिन से भाई जब से आ रखा था ना हिमाचल आ रखा था भाई, मौसम ऐसा खराब था भाई, इतनी धुंध पड़ रही थी और ऊपर से भाई ना तो धूप निकल रही थी, बारिश वाला मौसम रह रहा था और बारिश नहीं हो रही थी। जैसे मेरी राइड स्टार्ट हुई है तो भाई वैसे ना मौसम भी एकदम से ना क्लियर हो गया है, पहले तो भाई इतना गंदा रह रहा था ना भाई, और इतनी ठंड थी ना।
सो गाइस कल आप लोगों को मैंने दिखाया था ना KTM का शोरूम जहाँ पे नीचे था, तो आपको ना आज मार्केट से लेके चलता हूँ। कल मैं यहाँ से बाईपास से आया था ना, सो आज मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे दिखाऊंगा आप लोगों को यामा वाला शोरूम। भाई इसने एकदम गंदी ब्रेक मारी है ना कार वाले ने। सो ये है यामा का शोरूम जो फिलहाल आज बंद है। सो नेक्स्ट ब्रेक मेरी या तो इसकी होगी या KTM की। सो उसके लिए बस आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को, या तो मैं 10K पे ले लूंगा अगर सही रहा सब कुछ, तो मैं 10K पे बाइक ले लूंगा, वरना मैं 50K पे ले लूंगा न्यू बाइक। ओए तू का चला है, तू कैसे रेडी हो गया है, तू रेडी कैसे हो गया, तेरे को छोड़ के आए थे हम लोग। सो गाइस कल तो मैं गया था ना बाईपास से, तो आज चल रहे हैं मार्केट से होके ना, तो आज आप लोगों को ना हमीरपुर मार्केट भी दिखा दूंगा। आज संडे है ना, तो आज मेरे को ट्रैफिक नहीं मिलेगा, वरना तो भाई इतना ट्रैफिक मिलता है ना। और देख रहे भाई लीनिंग में मजा आ रहा है। भाई पत्थर थे अभी लुढ़कता, ये छोटे छोटे पत्थर देख रहे हो, ऐसे पत्थर पड़े थे पीछे, बाई चांस टायर चढ़ता ना उस पे लीनिंग पे बाइक डिसबैलेंस हो जाती। सो यहाँ से समझ लो मार्केट ना स्टार्ट हो जाता है। अभी आगे बस स्टैंड भी है, तो यहाँ से मार्केट वैसे स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे ना ट्रैफिक भी काफी लगता है संडे की वजह से। देखो आधा मार्केट तो बंद है, तो उस वजह से ट्रैफिक भी नहीं है। निकला जाए आगे, इस साइड में काफी टाइम बाद आया हूँ मैं, बाईपास से आता था, ये तो बिल्कुल चेंज हो गया है। जहाँ आपको कार दिख रही है यहाँ भाई शॉप्स होती थी, ये तो बिल्कुल हटा दी है। ये देख रहे हो राइट साइड का, ये पूरा भाई शॉप होती थी यहाँ पे, ये बस स्टैंड है और यहाँ पे भाई शॉप होती थी, और इस वजह से ट्रैफिक लगता था। तो भाई ये तो बहुत सही कर दिया ट्रैफिक, देखो शॉप्स वगैरह पीछे चल गई। मैं काफी टाइम बाद आया, क्योंकि बाईपास जब से बाईपास बने यहाँ से तो भाई मैं आया ही नहीं हूँ, और कभी मेरे को यहाँ पे काम भी नहीं पड़ा कि मैं मार्केट से आऊँ। तो भाई इतने टाइम बाद आया, तो बिल्कुल चेंज हो गया है। मेन रोड तो सीधा जाता है, पर मैं आपको ना अंदर से लेके चलता हूँ। मैं एक साल यहाँ पे भी पढ़ा हूँ, मैंने स्कूल के लिए भी यहीं से जाता था। अब यहाँ पे ना भाई चढ़ाई है, देखना भाई। अब सामने देना भाई भाई कई गाड़ियाँ तो यहाँ पे आती नहीं, क्योंकि बंदों से ना कई बार ना आगे से कोई गाड़ी आ जाती है ना, तो भाई यहाँ पे ना फर्स्ट गेट डालना पड़ जाता है, और रिवर्स करके ना भाई अगर यहाँ पे स्टॉप कर दी भाई कहीं उसे चढ़ती नहीं है। सो ना कई बंदे यहाँ पे गाड़ी लेके आते हैं, फिर दूसरी साइड से घूम के जाते हैं। अब ये देखो भाई कितनी चढ़ाई है, देख रहे हो। मैं एक साल ना यहाँ पे पढ़ा हूँ, तो मेरा स्कूल आगे होता था, तो मैं ना यही सब डाउन करता था, नीचे रहता था मैं। तो देख रहे हो पूरा सेकंड ईयर में आया हूँ। सो यहाँ जहाँ से ये गाड़ी निकली ना, जहाँ से ये गया मेरे स्कूल के लिए, यहाँ होता था मेरा स्कूल पहले। मैंने काफी स्कूल चेंज कर, बहुत स्कूल चेंज किया हूँ मैंने। सो घर वाले भी दूसरी साइड से आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से अंदर से जा रहा हूँ, तो उनसे आगे मिल जाऊंगा मैं। तो मेरे यहाँ वाले जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी इस बार नहीं मिल पाया, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे। यहाँ पे भी ना आसपास की जितनी सही सही लोकेशन है ना, वो भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ एक दिन के लिए आया था, घर वाले आए थे परसों और मैं कल आया था। एक्चुअली मेरे को आना घर वालों के साथ ही था, पर मेरे को थोड़ा सा काम था, उस चक्कर में मेरे को रुकना पड़ गया। तो ये देख रहे सामने मेन रोड आ गया, घर वाले ना नीचे से आएंगे, सो उनका वेट करता हूँ। सो मैं बाइक ना यहाँ पे पार्क कर लेता हूँ, वो आ गई अपनी स्कॉर्पियो आ गई, सो अब चलते हैं पिक ले लेते हैं यहाँ पे। सामने ऊपर देख रहे हो भाई, इतना घना जंगल लग रहा है। तो कल ना स्कूल वाले जो बच्चे मिले थे ना, जिनके रिएक्शन में दिखा रहा था आप लोगों को, सब अभी यहीं पे मिले थे कल। इसका भाई नहीं कह रहा है भाई, सारा कुछ खोल रखा है, ये कल भी यहीं पे था, आज भी यहीं पे है। कल मैंने आते टाइम आपको एम्स वाली बिल्डिंग दिखाई थी ना, तो अब ना जाते टाइम यहाँ से दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई इसका कितना काम चला हुआ है, ये देख रहे हो, ये पूरा यहाँ से स्टार्ट हो गया हुआ है। तो ये देखो, देख रहे हो, स
सो गाइस आते हुए मैं मेन रोड से आया था ना सीधा, यहाँ से सीधा आया था, डायरेक्ट सीधा गया था मीरपुर के लिए। तो अब हम चलेंगे यहाँ से अंदर से घूम के फिर सीधा नंदवन वाली साइड निकलेंगे। तो यहाँ पे किसी से मिलना भी है तो उनसे भी मिल लेंगे। आप लोगों को ना यहाँ की लोकेशन भी दिखा देता हूँ। तो ये देख रहे पूरा ना पीछे रंगस मार्केट है। तो अब यहाँ से हम अंदर को आ गए। तो अब यहाँ से चलेंगे आगे, यहाँ से फिर पूरा सिंगल रोड ही है। सो गाइस चेक करो भाई ये सारे खेत कितने प्यारे लग रहे हैं। देखो इनका कलर बिल्कुल ग्रीन है ना, कितने प्यारे लग रहे हैं। और इतना खुला खुला कितना प्यारा लग रहा है। इधर ऊपर सूरज है ना, धूप एकदम से निकली हुई है। सो उसकी वजह से ना भाई इनका कलर जो है ना बिल्कुल ना शाइन सा कर रहा है। और वो देखो भाई घर के ऊपर एरोप्लेन देख रहे हो सामने। सो गाइस चेक करो कैसा रोड है। रोड तो सिंगल है, ऊपर से भाई काफी टूटा हुआ है। पहले वाला इतना मस्त था। वो एक तो डैडी ने इतनी मिट्टी उड़ा के जा रहे हैं ना आगे, ये भूल गए पीछे मैं चला हुआ हूँ, इतनी मिट्टी उड़ा रहे हैं ना। वो देखो भाई मेरी वाइट जैकेट ना बिल्कुल ब्राउन होने वाली है आज। ये वाइट है ना अभी, हाँ वो थोड़ी देर बाद में पूरी ब्राउन दिखेगी। तो गाइस चेक करो इस टाइम मैं जंगल के बीच में चल रहा हूँ। तो यहाँ पे ना रोड पीछे रोड खराब था पर यहाँ पे रोड सही है। और ये देखो लेफ्ट साइड, क्या कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे देखो भाई मिट्टी का कलर यहाँ पे भी चेक करो, अलग से कलर है। ये हल्की हल्की ब्राउन है। अब देखो फिर ब्राउन आगे पीछे देखो कैसा कलर था। देख रहे हो भाई सामने, देखो कितना प्यारा लग रहा है। देख रहे हो दोनों साइड पेड़ और पीछे रोड कितना सही लग रहा है। देख रहे हो अग्नि स्कॉर्पियो भी आती है कितनी प्यारी लग रही है आगे। आप लोग ना हिमाचल में ना कहीं भी चले जाओ, हर जगह ना आप लोगों को ना अलग ही व्यू देखने को मिलेगा। सो गाइस ये आ गए कांगुगा मार्केट।